स्टूडेंट्स, आज हम मीडियन मात्रिक निकालना सीखेंगे। तो मीडियन निकालने का मीडियन क्या होता है? सबसे पहले मीडियन का मतलब होता है किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी लिस्ट, कोई भी नंबर्स दे रखे हैं उनको हम अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो उसका मिडिल नंबर होता है वो आपका मीडियन कहलाता है। मिडिल हाफ नंबर आपका मीडियन कहलाता है। अगर ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, टेबल की फॉर्म में दे रखा है, तब आप मीडियन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लैंपों की संख्या दे रखी है और उनका टाइम, उनका जीवन काल दे रखा है, उनका लाइफ टाइम दे रखा है घंटों में। तो ये हमें लैंपों की संख्या दे रखी है, तो लैंपों की संख्या जो है आपकी एफ कहलाएगी और उनका जो जीवन काल दे रखा है। हमें मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाओगे। तो 14 में हमने नेक्स्ट नंबर ऐड किया तो हमारा आ गया 70। 70 में नेक्स्ट नंबर ऐड किया 130। 130 में 86 ऐड किया 216। 216 में 74 ऐड किया तो 290। 290 में 62 ऐड किया 352। एंड 352 में 448 ऐड किया तो हमारा आ गया 400। तो एन हमारे लैंपों की संख्या कितनी आ गई, 400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी की भी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो 3000 से 3500 में जो है आपकी फ्रिक्वेंसी 86 है जो सबसे अधिक है, तो ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी, माध्यक वर्ग कहलाएगी। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में N अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब आपने जो भी माध्यक वर्ग सेलेक्ट किया था तो आपकी मीडियन क्लास क्या थी, थ्री थाउजेंड से 3500। तो उसका जो निम्न वर्ग सीमा होगी वो आपकी L कहलाएगी। N क्या था आपका, 400 था, तो N अपॉन में 2 कर दीजिए, 400 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 200। अब F क्या है, जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रिक्वेंसी F कहलाएगी, तो 86। सी एफ एक नंबर लेस करके आपको देखना है, तो आप यहाँ पर हो, यहाँ से एक नंबर कम आपको जाना है तो आपका सी एफ कहलाएगा। तो आप 130 आपका सी एफ है, ये आपका सी एफ है, ठीक है। और क्लास का साइज क्या है, 3500 में से 3000 घटा दीजिए तो ये आपका क्लास का साइज है 500। अब आपको इन वैल्यूज को पुट कर देना है, 3000 प्लस 200 माइनस सी एफ कितना है आपका 130 अपॉन में 86 इंटू में 500। 3000 प्लस 70 अपॉन में 86 इंटू 500, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं आप। तो ये 35000 अपॉन में 86, इसमें आपको पॉइंट की भाग कर देनी है तो ये आएगा आपका 406.98। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 3406.98। तो ये आपका मीडियन आ गया 3406.98 घंटे। लैंप इतना मैं